नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के अन्नपूर्णा रोड से फूटी कोठी तक बनाए जाने वाले लिंक रोड के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची, जहां 25 दुकानों की चौपाटी और 384 से ज़्यादा मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है, जहां एक दुकानदार ने अधिकारियों के सामने विरोध जताते हुए खुद को चाटे मारे। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। दरअसल इंदौर नगर निगम ने अन्नपूर्णा से फूटी कोठी लिंक रोड के लिए बजट में प्रस्ताव पारित किया है, जहां इस शासकीय ज़मीन पर 384 से ज़्यादा अवैध मकान और 25 दुकानों की चौपाटी बनी हुई है, जिसे हटाने के लिए प्रशासनिक अमला और निगम की रिमूवल गैंग मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाना शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक झुग्गी बस्ती के रहवासियों को शासकीय योजना के तहत नए मकान दिए जा चुके हैं और सभी स्वेच्छा से मकान खाली कर रहे हैं। वहीं चौपाटी के दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद वे भी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। इसी बीच एक वृद्ध दुकानदार ने दुकान खाली करने का समय न दिए जाने और जेसीबी से तोड़फोड़ का विरोध किया और खुद को चाटे मारे, जिसके बाद अधिकारियों ने वृद्ध को समझाया और समय देकर दुकान खाली कराई। विवाद नहीं हुआ था, वो मेरे भी काफी उठाओ, मेरे का मोहलत दे दो, 8 दिन की 5 दिन की मोहलत दे दो, बस अब सामान तोड़ेंगे, उठाओ खोलो। अब सामान कहाँ करे, कहाँ करे, घर में जाके तो नहीं रखेंगे, कहाँ रखे, पहले यहाँ नुकसान हुआ, दूसरा सामान कहाँ रखेंगे। ये वो अंधे देख रही चौपट राजा, टके से भाजी टके से रखा जा। कब से आप यहाँ पे दुकान, कब से है? 2008 से है, 15 साल हो गए मेरे को। किससे ली आपने जमीन की? चेलावत से। कौन है ये चेलावत? अगली बार अखबार वाला है, उसको ही मैंने बोला था, मैंने कहा भाई क्या मसला है पीछे चौपट, बोला यहाँ कोई दर्क नहीं करो आप, ये कोई अंधे देख रही चौपट राजा हो गया। आपका नाम बता दो? बाबू परेड़ी। टाइम न्यूज़।